बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी डेली जो भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। अच्छा जी, यहाँ पर सुबह का टाइम है और चाय बन चुकी है और यहाँ पर ना नाश्ता बन रहा है। और मैंने अपना व्लॉग ना आज सुबह से ही स्टार्ट कर दिया, तो पिछला मैं बस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ उसको अपलोड करके, तो इसको इंशाल्लाह मैं ना शाम तक कर दूँगी। कह रहे थे आज लाइट जानी है, तो मैंने ना मोबाइल भी अपना चार्ज किया था पर गई नहीं है, क्योंकि लाइट तब जानी होती है जब मोबाइल चार्ज ना हो। अच्छा जी, तो यहाँ पर सारे बच्चे वगैरह भी उठ गए थे और ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया था, तो गैस भी इसी टाइम आती है तो सब उठ भी गए थे, तो ना हम लोगों ने इस टाइम फिर ब्रेकफास्ट किया और सालन भी था और साथ में चाट था, ये एग था और पराठा और चाय। तो जी हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और बच्चे ना सुबह उठे थे तो फिर खेल कूद के जल ना सो गए, तो फिर लेट ही उठे, दोपहर में ही उठे थे, तो दिन का स्टार्ट तो हो गया था और हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। चले अब मरवापी करने लगे हैं कबाब फ्राई, क्योंकि मरवापी की खाना आई है, हमारी खाना सबकी खाना है, हमारी मॉम्स की खाना है स्पेशल। यस, तो उनके लिए ये कबाब फ्राई हो रहे हैं। मदी हसन बाहर इंजॉय कर रहा है और हमारा भी उठा नहीं है, हुरैन भी नहीं उठी, उठे था उठकर सो गया और बाकी बच्चे स्कूल से नहीं आए अभी। शक्ल इसलिए इतना से लग रही है क्योंकि वो फ्रीज किए हुए थे, वो जिस तरह रखे हैं तो वो वैसे ही हो गए ना फ्रीज। ऑफिशियली बात के लिए हाजिर हो रही है शामी कबाब की मददगार। ये इन्होंने, मैं रेस्टोरेंट में बैठी हूँ ये आग के पास, और ये इतने खूबसूरत अंदाज में कबाब पेश किया इतनी प्यारी सी छोटी सी प्लेट में, पर मैंने अभी नाश्ता किया, मैं ये नहीं खाऊंगी, आपका बहुत शुक्रिया। चलो ये देखो, यहाँ पे हुरैन रेडी होके आ गई थी और ना सबसे पहले रेडी हुई थी और बस घूम फिर रही थी। हम जा रहे हैं अंदर, क्या आप रेडी हैं? हाँ। अच्छा जी, उसके बाद कुछ भी नहीं किया और शाम को सूप बनाना था, तो मरवापी यहाँ पे बैठ के चिकन साफ कर रही थी और बाहर आया हुआ था छली वाला, तो हम लोगों ने छलियाँ ले ली और छली इंजॉय करने लगे। वैसे पहले कुछ पहले ना पिछले मंथ तक काफ़ी ज़्यादा थी, अब इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे फिर हम ऊपर धूप में चले गए थे और मरवापी से चली खाई नहीं जा रही थी, कुछ ब्रेसेस लगवाई हुई थी और कुछ वो कह रही थी कि मसाले में डाल लो, तो यहाँ पे बस हम हुरिया को ऊपर लेके आए थे निमरापी धूप लगवाने के लिए, तो वहाँ पे बैठे थे और बातें वगैरह कर रहे थे और शाम का प्लान था सूप बनाने का, तो प्लान तो शाम का था बट रात ही हो गई, इरादा था कि 4-5 बजे तक बन जाएगा बट निमरापी की आँख लग गई तो ना सो गई वो। और यहाँ पे मम्मा बना रही थी पॉपकॉर्न, हम लोग कॉर्न लेके आए थे और ना घर पे बनाए भी थे बट वो भूले नहीं, शायद सिलेंडर का कुछ इशू था और वो ना जल जाते हैं नीचे से, हीट नहीं लगती शायद इस वजह से, तो मम्मा कॉर्न वहाँ पे ले गई थी और ना वहाँ यहाँ पे ट्राई किए, बन तो ठीक गए थे बट उस तरह से ना फूले नहीं, पता नहीं क्या है, कॉर्न का शायद डिफरेंस वगैरह होता है तो इस वजह से। तो यहाँ पे ना दोपहर शाम का टाइम था, 4:30 हो रहे थे और उसके बाद यहाँ पे बस पॉपकॉर्न रेडी हो गए और वो इन्जॉय किए और फिर सूप की तैयारी करनी थी। मरवापी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी और वली सो गया था, अमार भी सो गया था, तो वो लोग फिर बच्चे भी शाम को उठे थे, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर चली गई थी मरवापी के पास और उसके बाद जब मैं नीचे आई
तो अरे पप्पी की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, बट वो भी सेट हो गई थी। फिर उसके बाद बस सूप की चीज़ें वगैरह रेडी करने लग गए थे हम लोग, लेकिन ना 6:30-7 का टाइम था यहाँ पे, और यहाँ पे ये सारा कुछ ना कट वगैरह हो गया था। गाजर थोड़ी सी मोटी काट ली, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। तो यहाँ पे बनने लगा था सूप, बट ना लेट ही हो गए थे, और साथ साथ हम लोगों का प्लान बन गया था शॉर्मों का, तो इरादा था पहले से ही, बट फिर सूप बीच में आ गया, लेकिन हम लोगों ने कैंसिल नहीं किया, और यहाँ पे बस सूप रेडी हो गया था, और ना साथ ही शॉर्मे भी आ गए थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने सूप पी लिया, और रिबा भी यहाँ पे गरम गरम सूप लेके आई थी, तो सबने वो इंजॉय किया, और बहुत मज़े का लग रहा था ये, तो सबने ये इंजॉय किया। फिर शॉर्मे वगैरह खाए और खूब इंजॉय किया हम लोगों ने कल रात, उसके बाद वीडियोस वगैरह बनाई और इंजॉय किया। फिर खाला ने मौजा सुनना था तो उसके लिए बुला लिया, और फिर हम लोगों ने वो सुना, तो फिर सारे इकट्ठे थे, और फैमिली गैदरिंग्स में ना बहुत मज़ा आता है, तो काफ़ी टाइम बाद ऐसा होता है कि सब मना एक जगह इकट्ठे हों, तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया इस बार भी। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जल्द मुलाकात होगी, तो मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि ना व्लॉग अपने कंटिन्यू रखूँ, और कल से यूनि भी स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह मैं ना कंटिन्यू रखूँगी और कोशिश करूँगी कि वीडियो टाइम पर बना के अपलोड कर दिया करूँ। तो मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी डेली जो भी न्यू वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।